अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, ओपन योर मैथ्स बुक्स, यूनिट नंबर 3, एक्सरसाइज 3C, पेज नंबर 70। आज हमने करना है ऐड द फॉलोइंग, प्लस करने, एडिंग प्लस करना। और ऐड द फॉलोइंग, अब तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, तो अब हम प्लस करना सीखेंगे फ्रैक्शन वाली वैल्यू को, ठीक है। फ्रैक्शन कौन सी वैल्यू होती है जिसके ऊपर न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू भी हो, जिसके नीचे भी वैल्यू हो। ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन गिवन होता है हम वही जो है इक्वल के साइन के बाद लिखते होते हैं। 3/4 + 6/7। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना होता है। इनके डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यूज इनको कॉमन करना। अब कॉमन करने के लिए हमने देखा था कि हम जब कॉमन करने लगते थे तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे, 4 और 7 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 4 2 के टेबल में जाता है, तो 2 पे डिवाइड 2 × 2, 4 7 नहीं जाता 7 एज इट इज, 2 × 1 2, और 7 नहीं जाता 7 एज ही। फिर 7 मतलब ख़त्म हो गई, ये लाइन ख़त्म हो गई नंबर, और 7 × 1 7, जब 1 1 आ गया मतलब यहीं पे हमारा एलसीएम रुक गया। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 × 2 × 7, 2 × 2 4, 4 × 7 28। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 28। अब इसका मतलब आपने डिनोमिनेटर्स को 28 बनाना है। 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है, 4 × 7 = 28 × 7, जिससे कॉमन करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 7। फिर 7 × 4 × 4 ऊपर भी। फिर हम टेबल पढ़ेंगे 7 का 3 तक, 3 × 7 = 21 + 6 × 4 = 24, और नीचे जो आपका कॉमन डिनोमिनेटर था आपने वही लिखा। उसके बाद आपने 21 में 24 को प्लस करना है। आप लोग वर्किंग में प्लस कर सकते हो, 4 + 1 = 5, 2 + 2 = 4। यहाँ पे आपके पास आ गया 45/28। इसके बाद जब आपके पास ऊपर बड़ा आ जाता है तो हम इसको डिवाइड करते हैं, आपने डिवाइड करके मिक्सर में आंसर आना है।